जब इनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने इनसे कहा कि आप अपने राइट हैंड की पिक मुझे भेज दीजिए। इन्होंने भेज दी। मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा, भाई आपका हाथ तो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय का है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। इन्होंने कहा, एज मेरी उतनी बची नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, लेकिन मैं बिजनेस करता हूं, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि बिजनेस में मेरा आने वाला कल, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। मैंने कहा, देखिए जब आपका हाथ गवर्नमेंट जॉब का हो और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा आउटपुट नहीं बनता है, मुझे नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा, ठीक है फिर भी जो भी आपको समझ में आ रहा है मुझे बता दीजिए। कुछ दिनों के बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जितने भी पिक मुझे यूजर्स ने भेजे थे अपने हैंड्स की, वो सभी डिलीट हो गए। तो मैंने सभी को मैसेज किया और कहा कि आप अपने हैंड्स की पिक मुझे फिर से भेजिए। इन्होंने भेजी और मैंने ये भी कहा था कि अब अपने एक्टिव हैंड की पिक भेजिए, तो इन्होंने लेफ्ट हैंड की पिक भेजी। मैंने कहा, भाई मैंने एक्टिव हैंड बोला था। इन्होंने कहा, ये लेफ्ट हैंड ही मेरा एक्टिव हैंड है। मैंने उस वक्त मैं लिटरली मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इतना डिफरेंस देखा। जहां इनका राइट हैंड जो कि पैसिव है वो गवर्नमेंट जॉब को बता रहा था, तो वहीं इनका लेफ्ट हैंड बिजनेस को। ये बात मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर की है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इंसान अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, चेंज कर देता है। तो ये हाथ उसी इंसान का है जिसने अपने कर्मों के आधार पे गवर्नमेंट जॉब को नहीं बल्कि बिजनेस को चुना है। तो आज इस हाथ का एनालिसिस करना है, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बहुत बड़ी है, तो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत होता है, किसी की सुनते नहीं है, जिद्दी होते हैं, किसी को भी माफ नहीं करते हैं। अगर गलती हो गई है तो फिर ये माफ नहीं करते किसी को भी। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना इसके लिए, इनके लिए पॉसिबल नहीं होता होगा। जब इस तरह से नीचे की तरफ लिटिल फिंगर झुकती है तो फैमिली से जुड़ाव बहुत ज्यादा इन लोगों का नहीं होता है। अंगूठा सशक्त है, अच्छा है, स्पेस बहुत अच्छा है अंगूठा इनका, तो जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। जिस भी कोई भी प्लान अगर ये बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेहनती होते हैं और किसी की सुनते नहीं है, जो इनका हाथ भी बताता है। जब इस तरह से चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम हो तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, हथेली की, ऐसे लोग मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के दम से अपने भाग्य को सवार लेते हैं। जब फिंगर, लिटिल फिंगर झुकी हुई हो रिंग फिंगर की तरफ, तो पैसा कमाने की भावना इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। सुबह से लेकर शाम तक बस पैसा कैसे कमाया जाए इसी के बारे में सोचते रहते हैं। जब जुपिटर की फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं भी प्रबल होती हैं। अब चलते हैं माउंट्स की तरफ। माउंट्स के लिए दूसरा पिक लेते हैं। जुपिटर का माउंट इनका बहुत अच्छा है, लेकिन इनका सवाल है कि भाई जुपिटर का माउंट मतलब मेरी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, जुपिटर का माउंट आपका बहुत बुरा नहीं है जो आपकी मैरिज लाइफ को अफेक्ट कर सके। साथ ही आपकी जुपिटर की फिंगर बहुत अच्छी है, बड़ी है, तो वो अगर माउंट्स में थोड़ी बहुत भी कमियां हैं तो वो कमियां दूर हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके जुपिटर के माउंट पे मोल है, तिल है। ये क्या करता है, ये बहुत ही निगेटिव इफेक्ट देता है। भले आपके माउंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है आपका जुपिटर का माउंट, फिंगर आपकी बड़ी है, लेकिन अगर उस पर तिल है तो आपको, आपको सोशल प्रॉब्लम, सोशल लाइफ आपकी, फैमिली लाइफ और मैरिज लाइफ तीनों को रून करता है, बर्बाद कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को कंगाली का दौर भी देखना पड़ता है कुछ वक्त तक। लेकिन बहुत सारे हाथ में मैंने देखा है जिनको फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, कंगाली का दौर भी उन लोगों ने देखा है जिनके जुपिटर के माउंट पे तिल है। लेकिन जिन लोगों की इनकम, जिन लोगों की फेट लाइन 2 से 3 होती है, यानी इनकम के सोर्सेस 3 से 4 होते हैं, ऐसे लोगों को कंगाली का दौर उतना ज़्यादा नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो मोल है ये आपके 1 या 2 इनकम के सोर्स को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आपके 3 से 4 हैं तो कहीं 2-3 जगह से फिर आपको पैसे आते रहेंगे। लेकिन जब आपका इनकम ऑफ सोर्स, मतलब इनकम का सोर्स आपका सिर्फ 1 ही है, तो फिर तो ये आपको खा जाता है,
निकल जाता है, और इनका इनका सीन वही है, इनका जो फेट लाइन है वो एक ही है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज इनको देखने पड़े होंगे या देख रहे होंगे, वो आगे जब फेट लाइन पाएंगे तब देखेंगे। जब इस तरह से सटन का अमाउंट यहां से दबा हुआ हो तो ऐसे लोगों को लोन की समस्या पूरी जिंदगी लगी रहती है, और जब सटन का अमाउंट यहां से उभार लेता है तो सुबह उठने में आलस आती है। सन का माउंट यहां से दबा हुआ है और साथ ही इनके सन माउंट पे कोई भी अच्छा साइन मुझे नहीं दिखा है अभी तक। जब मैंने इनके सन माउंट को देखा तो मुझे कोई भी अच्छा साइन नहीं दिखा। तो ऐसे लोगों को तरक्की मिलने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और इनका हाथ भी मेहनत वाला है तो ज्यादा इनको इश्यूज आएगा नहीं। इसके साथ ही मर्क्यूरी माउंट यहां से उभार लिए हुए है और यहां पे दबा हुआ है। जब यहां पे दबा हुआ हो मर्क्यूरी का माउंट, तो ऐसे लोगों की स्पीकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, वाक पाटु नहीं होते हैं, शब्दों का अभाव हो जाता है, कहना कुछ चाहते हैं सामने वाला समझ कुछ और लेता है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग वाला माहौल बन जाता है, लोग इन्हें गलत समझ बैठते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। साथ ही जब यहां से उभार होता है तो फेम पाने की इच्छाएं लोगों की बहुत ज्यादा होती है, और जब लिटिल फिंगर झुकाव लेता है रिंग फिंगर की तरफ तो सुबह से लेकर शाम तक पैसा कैसे कमाया जाए बस यही सोचते रहते हैं। और जब जुपिटर का फिंगर झुकाव लेता है इस तरह से तो धार्मिक भावना इन लोगों में प्रबल होती है। ये बस शायद मैंने बताया है इनको। तो चलिए अब ये माउंट्स तो हमने देख लिया, बाकी के माउंट्स हम दूसरे पिक में देखेंगे क्योंकि इसमें क्लियरली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब इनका जो लोअर मार्स, अब इनका सवाल था हेल्थ को लेकर, तो देखिए आपका जो लोअर मार्स है जो आपकी आपकी हेल्थ को बताता है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज के बाद आपको वो डेली बेसिस पे जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो लेनी पड़ सकती हैं एक सर्टेन एज के बाद। बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन इसमें भी सुधार कर सकते हैं आप, रेमेडीज़ हैं इसकी, अगर आपको चाहिए तो फिर आपको मिल जाएंगे। अपमास बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोग निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं, एनर्जी बहुत होती है इन लोगों के अंदर, और किसी से मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। वेनस माउंट, इनके हाथ में एक माउंट अगर मुझे चुनने को मिले कि कौन सा माउंट आपको बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी इनकी लाइफ को स्टेबल करने की क्षमता रखता है वो माउंट, तो वो वेनस माउंट है। वेनस माउंट इनका बहुत अच्छा है, मतलब लाजवाब है। इस वजह से जो इनका सवाल है कि मेरा खुद का घर, तो हाँ बिल्कुल आपका खुद का घर भी होगा, आपके पास गाड़ी भी होगी, लग्जीरियस लाइफ होगी आपकी आने वाले वक्त में, वो भी आपकी मेहनत की वजह से। साथ ही साथ इनका मून माउंट वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छा है, ठीक है, काफ़ी स्पेस लिए हुए है तो इसे अच्छा ही माना जाएगा। और मून माउंट जब अच्छा हो तो विदेश से धन प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ जब मून माउंट पे इस तरह से क्रॉस बने तो ऐसे लोगों को हमेशा एक डर बना रहता है कि भाई कहीं जिस मतलब लेवल पे मैं हूँ उससे कहीं नीचे ना आ जाऊँ, वो वाला डर रहता है मन में। तो आप चलते हैं इनके साइन वगैरह को देखते हैं और आगे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा वो देखते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब अंगूठा, अब ये अंगूठा पे इस तरह से जब साइन बनता है तो लोग क्या कहते हैं कि जब आपके अंगूठा पे यव का साइन बन रहा है तो आपके पास पैसा बहुत होगा। आपको पता होना चाहिए कि यव का साइन आपको एक भिखारी के हाथ में भी दिखेगा, तो ये बहुत ज़्यादा अंतर आपकी लाइफ में नहीं लाता है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। मैंने बहुत ऐसे हाथ देखे हैं जिनके यव के साइन बहुत सॉलिड बने हैं, दोनों तरफ से लॉक्ड है, फिर भी उनको पैसे की प्रॉब्लम है। तो इन ये भ्रांतियाँ हैं, और एक जो वो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है आजकल कि भाई अंगूठे पे जो अक्षर लिखा हुआ है वो आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ के बारे में के नाम के बारे में बताता है, तो ये सब गलत फहमियाँ हैं, इसके पीछे मत भागे, क्योंकि यूनिवर्स लैंग्वेज नहीं जानता है, कोई सर्टेन लैंग्वेज थोड़ी है यूनिवर्स का। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यूनिवर्स आपको अरबी में लिखेगा, फारसी में लिखेगा, अंग्रेज़ी लिखेगा, या हिंदी लिखेगा, या संस्कृत लिखेगा? यूनिवर्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, मैं क्लियरली आज आप लोगों को बता दूँ। यूनिवर्स एनर्जी की भाषा को समझता है, एनर्जी ही उसका लैंग्वेज है। आप जिस एनर्जी के साथ विश मांगेंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलता है, वो आपके शब्दों के पीछे, आपके शब्द को समझता ही नहीं है। और जहाँ तक ईश्वर की बात है, यूनिवर्स को ही मुझे लगता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड जो है, यही भगवान है। मैं इसी को अपना भगवान मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भगवान होते हैं ये भी आपकी भाषा को नहीं बल्कि आपकी एनर्जी को समझते हैं। तो इसीलिए ये जो अंगूठे पे जो अल्फाबेट ढूंढने में लोग लगे हैं तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब चलते हैं आगे।
कभी कभी हम लाइन से भटक जाते हैं। इनके क्लोज अब इनके जुपिटर माउंट को देखते हैं। जुपिटर माउंट पे मुझे अगर घर की बात इन्होंने की है कि घर होगा कि नहीं होगा, देखिए जुपिटर माउंट पे अगर आपके स्क्वायर का साइन है, क्योंकि पिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो दिक्कत आ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर कंप्लीट है आपका ये। अगर यहाँ पे स्क्वायर का साइन है तो फिर आपको आपकी लाइफ में घर है, और घर तो होगा ही आपकी लाइफ में क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी फर्स्ट लाइन पे मुझे दिख रहा है, तो घर लेना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। इसके साथ ही बाकी साइन वगैरह को देख लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों इनके हाथ में बहुत ज़्यादा साइन नज़र नहीं आ रही है, इस हाथ में जो इनका एक्टिव हैंड है। लेफ्ट हैंड में तो क्लियरली दिखी चीज़ें, बट एक्टिव हैंड में यहाँ मुझे यश का साइन भी नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ उस हिसाब से फ़िलहाल अभी जो आपका हाथ है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, और आपका जो सनलाइन है वो भी टूट टूट के चल रहा है, तो ये मेहनत बहुत करवाता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है, और स्ट्रगल आपके फिट लाइन को देख करके भी पता चल रहा है मुझे। दूसरा पिक लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर का साइन है मर्क्यूरी माउंट पे। मर्क्यूरी पे जब भी स्क्वायर का साइन होता है तो वो आपको आश्वस्त करता है, आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, फाइनेंशियल लॉस से बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है, हर तरह के लॉस से बताता है बचाता है। और साथ ही हाँ, यहाँ पे मुझे स्क्वायर दिख रहा है आपके सन माउंट पे। सन माउंट पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 2-3 स्क्वायर आपके हाथ में होने ही चाहिए सन माउंट पे। वो इस बात की पुष्टि करता है कि सामने वाला जो बंदा है, इसका जो बिजनेस है, वो 2-3 शहरों में या 2-3 देशों में या 2-3 मतलब जगहों पे, मतलब इसके ब्रांचेस होंगी वो बता देता है। तो एक स्क्वायर तो मुझे दिखा, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल बिजनेस आपका होगा एक वक्त के बाद। छोटे छोटे स्क्वायर हैं आपके हाथ में 1-2, तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ठीक ठाक चलेगा। लेकिन मुझे ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, इसलिए मन की सभी इच्छाएं जो पूरी होने वाली बात है वहां पर मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि ट्राइंगल नहीं है। और जब इस तरह से खड़ी लाइनें होती हैं मर्क्यूरी माउंट पे तो एक हीलर का काम करती है, साथ ही साथ एक तरह से इन्हें प्राचीन में वेदों में इसे धनरेखा कहा जाता था, लेकिन मैं इसे धनरेखा नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, आपका आपके इनकम को बढ़ाता है, लेकिन एक हीलर के अलावे आपकी हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, लेकिन आपके मर्क्यूरी माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ बिजनेस माइंड देता है, लेकिन पैसा ये नहीं देता है। मुझे नहीं लगता ये पैसा देता है। अब चलते हैं इनके हर्ट लाइन। अब देखिए इनकी जो हर्ट लाइन है वो स्टार्ट हुई है एकदम सैटर्न और जुपिटर फिंगर के बीच से। जब भी इस तरह से आपकी हर्ट लाइन स्टार्ट होती है तो ये बताती है कि ये जो बंदा है, जो जिस इंसान का मैं हाथ देख रही हूँ, ये सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पैसा कैसे आए यही सोचते रहते हैं ये लोग। और साथ ही इनका जो हार्ट लाइन है वो तकरीबन एज होगी 30 के आसपास से, इनका गुस्सा बहुत बड़ा होगा। अब किस वजह से बड़ा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये 30 साल के वो 30 या 31 32 इस तरह से साल के हुए होंगे तो इनका इनके अंदर गुस्सा बहुत इनको आता होगा उस वक्त। तो गुस्सा कहीं से भी अच्छा नहीं होता है, वो आपको लॉस ही देता है। और एट द एज ऑफ ये एज होगी इनकी, म्यूट में जा रही है। नहीं नहीं नहीं, ये 35 के एज से इनके अंदर गुस्सा स्टार्ट हुआ होगा, काफी गुस्सा इनको आता होगा 35 के जब ये हुए होंगे। ये इस प्रिडिक्शन में कभी कभार क्या होती है, जब पिक सीधी ना हो तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है, एज प्रिडिक्शन बहुत सही से नहीं कर पाते हम। हाँ, 35 के आसपास से
जब भी प्रिडिक्शन किया जाता है एज का, तो याद रखिएगा उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा। अगर 35 मैंने बोला है तो आप 34 भी बोल सकते हैं, 36 भी बोल सकते हैं। तो इस एज से आपके अंदर गुस्सा बड़ा होगा, ठीक है। और साथ ही जब ये एज होगी, मतलब 48-50 के आसपास आपका हार्ट लाइन ब्रेक हो रहा है, ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है। देखिए, जब भी आपका हार्ट लाइन या आपका माइंड लाइन ब्रेक होता है, लाइफ लाइन का सीन बिल्कुल अलग है, वो बदलाव को दिखाता है, तो उसको मैं बुरा नहीं मानती। लेकिन जब भी आपकी माइंड लाइन या हार्ट लाइन ब्रेक होती है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा इम्पैक्ट डालती है आपके आपके ऊपर। ऐसा लगता है जैसे जब हार्ट लाइन ब्रेक हो, तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटता है, और बहुत ही सॉलिड तरीके से टूटता है। मतलब उस जोन से निकलने में आपको 1 साल लग जाता है, 1 या 2 साल लग जाता है। तो एट द एज ऑफ 48 से लेकर 50 तक थोड़ा सतर्क रहिएगा, बस यही कहना चाहेंगे। और उसके बाद बाकी आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल सही जा रही है, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं दिख रहा है। माइंड लाइन पे एक बहुत अच्छा बदलाव मुझे दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ होने जा रहा है। एक बदलाव तो आपको दिखा होगा जब आप 25-26 के हुए होंगे, तब कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड लाइन है वो टूटी है। तो वहाँ से होता है ना कि वास्तविकता का ज्ञान, मतलब जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता होती है, जब इंसान लाइफ को समझता है, एक होता है ना मजाक के तौर पे लाइफ को लेना, यार ठीक है हो जाएगा, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, फिर इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की एबिलिटी आपकी आई होगी 25-26 के एज में। उस वक्त आप समझ गए होंगे कि लाइफ आपकी है और आपको अपनी लाइफ में अच्छा करना है, ठीक है। लेकिन जब आप पहुंचेंगे अच्छा, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में, रिजल्ट कब आएगा वो मैं बता दूं आपको। ये एज हो गई, फोर्टी टू 43 के आसपास आपकी माइंड लाइन एकदम से कर्व ले रही है, चेंज हो रही है, और ये सीधे मर्करी माउंट की तरफ देख रही है। इस तरह से जब माइंड लाइन अचानक से चेंज होती है और दो मुही हो जाती है, और जब वो मर्करी माउंट की तरफ देखती है, तो इंसान के अंदर चालाकी बढ़ती है। इंसान समझता है कि अगर वो बिजनेसमैन है तो किस बिजनेस के जरिए वो अपनी लाइफ को बदल सकता है, अगर वो अमीर बनना चाहता है तो वो कैसे अमीर बन सकता है। यानी आपके अंदर उस एज के बाद से चालाकी, एक तो आप चालाक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो 40 भी मान के चलिए आप, 40 के बाद से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, आप एक अच्छे बिजनेसमैन 40 के बाद बन जाएंगे। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है, जो जानता है कि प्रॉफिट कैसे लेना है लॉस से, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद अब चलते हैं आपकी लाइफ लाइन पे, उसके लिए दूसरा पिक लेते हैं। एक तो आपकी लाइफ लाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर से, तो जब भी जुपिटर से लाइफलाइन आपके स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव होता है। इंसान सपनों से ज़्यादा अपने कर्म पे विश्वास रखता है और अपनी लाइफ को अपनी मेहनत से बदलता है, जो कि आपके हाथ में पहले से ही दिखाई दे रहा है। और इसके बाद एक और बहुत पॉजिटिव है आपके हाथ में, जो मैं बता दूँ। जब भी इस तरह से आपकी लाइफलाइन बहुत पहले ही दो मुही हो जाती है, तो एक तो ये बताती है कि आपका जो बिजनेस है वो आप अपने स्टेट से, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ से बाहर भी आपका बिजनेस होगा, ठीक है। या हो सकता है देश से बाहर भी हो, क्योंकि फॉरेन ट्रिप भी आपके हाथ में है, बिजनेस हो आपका। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप याद रखिएगा कि कभी भी आप विदेश में जा करके सेटल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ लाइन दो मुही हो जाती है, या सिंगल भी हो, इस तरह से देखिए आप समझ जाएंगे, जब भी आपकी लाइफ लाइन दो मुही होती है और इस तरह से जब वो सर्कल में वेनस माउंट को घेरती है, और दो मुही होने के बाद भी ये वाला जो पार्ट है, जो मेन पार्ट है,
वो ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप विदेश घूमने के लिए जा सकते हैं, वहाँ 2 साल आप रह सकते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी वहाँ रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। यानी एक वक्त के बाद आप अपने जन्म स्थान पर वापस लौटेंगे ही लौटेंगे। और साथ ही साथ ये पॉजिटिव है, देखिए बिजनेस ट्रिप की वजह से या पर्सनल ट्रिप होता है ना, जैसे हॉलीडे ट्रिप की वजह से आपका विदेश दौरा 2 या 3 बार तो होगा, ये तो है आपके हाथ में। साथ ही साथ 40-42 एज के बाद आपके अंदर धार्मिक भावनाएं प्रबल हो जाएंगी, आप कल्पनाशीलता आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यानी इमेजिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। अब देखते हैं कि विदेश से धन के आगमन के चांसेस आपके कितने हैं, इसके लिए कोई दूसरा पिक लेते हैं। आप एक बार खुद से देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे ट्राइंगल होगा, चंद्रमा पे, मून माउंट पे कहीं भी ट्राइंगल होगा, तो फॉरेन से आपके पास पैसा आना ही आना है। अब मेन जो पॉइंट है उस पे चलते हैं, जो कि आपकी पूरी लाइफ को प्रिडिक्ट करता है, आपके आने वाले कल को, आपके बीते कल को बताता है, वो है आपकी फेट लाइन। तो वहीं पे हम देख लेंगे आपके सभी सवालों का जवाब आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो आपकी क्लोज पिक की तरफ चलते हैं। पिक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैंने बहुत जूम इन की है चीज़ों को, लेकिन कभी कभी कुछ ब्लर मुझे दिख रहा है। एक तो यह देख लीजिए, आपकी जो फिट लाइन है वो 35 तक तो है ही नहीं, ठीक है। एक है जिसे हम फिट लाइन भी काउंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये ऑफशूट भी काउंट करते हैं हम लोग, मतलब लाइफ के इस पड़ाव में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, ये भी काउंट करते हैं। लेकिन जब आपकी फिट लाइन नहीं होती है तब इसे हम फिट लाइन भी काउंट करते हैं। तो जब इतनी पतली सी फिट लाइन हो तो इंसान को मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ये तकरीबन आपकी एक्टिव रहेगी, और इसमें भी बहुत ज़्यादा कट कट करके है, बहुत ज़्यादा टूट फूट के है, तो बहुत ज़्यादा इनकम आपके नहीं है 35 तक इस फिट लाइन के बाद। ये जो फिट लाइन है ये आपका एक्टिव हुआ है 25 से ये चला है, लेकिन 36 जाते जाते ये काम आपका बंद हो जाएगा, आप इसको क्लोज कर देंगे किसी न किसी वजह से, ये आपका मत होगा आपकी। अब इतना मुझे नहीं पता क्यों आप क्लोज करेंगे, लेकिन ये वाला काम आपका बंद हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऐसे भी आपको नहीं देगा। एक नया काम आपका स्टार्ट होगा जब आप 36 के हो जाएंगे, मतलब 35 या 36 के आसपास के जब होंगे, तब एक नया काम आपका स्टार्ट होगा, एक नया इनकम आपका स्टार्ट होगा। इस तरह से जब भी माइंड लाइन से, एकदम से माइंड लाइन से आपकी फिट लाइन निकलती है एक सर्टेन एज में, जब इस तरह से माइंड लाइन से फिट लाइन निकलती है, तो ये बताती है कि ऐसे ऐसे लोग अपनी अपने हुनर से कमाते हैं, मतलब अपने दिमाग से कमाते हैं, मतलब दिमाग से तो सभी कमाते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अपनी बुद्धिमत्ता का खाते हैं, अपने इंटेलिजेंस का खाते हैं। तो यहाँ से 36 से आपके आपकी एक नई फिट लाइन स्टार्ट हो रही है, एक नया इनकम आपका स्टार्ट होगा, और वो मेहनत आपसे बहुत करवाएगा। एक तो पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये कि एक्सपेंस आपके बहुत ज़्यादा होंगे, तकरीबन 50 तक एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कमाई जितनी है उतने उससे कहीं ज़्यादा आपके खर्चे होंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इश्यूज आपको लाइफ में रहेगा इस वजह से। अब आपका सवाल है उसके बाद, देखिए आपकी लाइफ में स्मूथनेस कब आएगी, फाइनेंशियली आपको कब अच्छा फील होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 55 के बाद ही आपकी लाइफ में कुछ भी स्मूथ, आपको चीज़ें आसानी से आपको 55 के बाद ही मिलेंगी, लेकिन उससे पहले जितने भी आपके सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होगा, ऑब्वियसली आपके पास पैसा होगा, और 36-37 से आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छी अमाउंट में पैसा होगा आपके पास, एक्सपेंस भी ये बहुत ज़्यादा है लेकिन पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपका सवाल था, जो जो उसका आंसर करते हैं, आपका सवाल है कि आपका भाग्योदय किस एज से होगा, तो याद रखिए आपका भाग्योदय 37-36 से हो जाएगा, मतलब कोई नया इनकम आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से जो भी फाइनेंशियली इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो नहीं होंगे फिर, पहला सवाल तो ये। उसके
देखिए, मैरिज लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं वो ऑब्वियस है, अभी चलते रहेंगे, लेकिन एक सर्टेन एज तक ही वो साइड इफेक्ट रहता है उस मोल का। तो हो सकता है कि चूंकि आपका इनकम बढ़ेगा 37 से, आपकी लाइफ चेंज होगी, तो कहीं ना कहीं ये वही एज है जब आपकी मैरिज लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा होप दिख रहा है कि, लेकिन अगर आपको ये सर्टेन एकदम एग्जैक्ट एज जानना है कि कब आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, तो याद रखिए 40 के बाद आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, जो कि आपका माइंड लाइन बता रहा है। क्योंकि 40 तक आपका माइंड लाइन पूरी तरह से डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और ये डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ है 25 से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन 40 के बाद आपके जितने भी इश्यूज हैं वो सभी शॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। फैमिली प्रॉपर्टी की बात की है आपने, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल मिलेगा। वो इसलिए भी मैंने बोला है क्योंकि आप जो एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें केतु का माउंट देती है, और केतु पे जब ट्राइंगल हो तो वो प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कत नहीं होती है। तो आपको भी नहीं होगी, आपको भी आपके हिस्से का जो भी है वो मिल जाएगा। आपका सवाल है कि अपना घर कब होगा। देखिए 30 से 38 में, दूसरा पिक लेते हैं, 38 में और 39 में भी आपके, ये 39 या 40 लेके चल सकते हैं हम, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की लाइन है आपकी, ये घर के लिए होगी। तो 39 40 के आसपास आपका अपना खुद का घर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट, मुझे ये घर का ही लग रहा है। क्योंकि अगर कोई किसी काम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते तो वो फिट लाइन कहीं ना कहीं बनती हुई मुझे दिखती, लेकिन मुझे नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये आपका घर अपना उस एज तक हो जाएगा, 38 तक, 39 तक आपका अपना ये अपना घर हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ज़्यादा इश्यूज नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सपेंस बहुत है। तो बिजनेस आपके हाथ में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बिजनेस अच्छा करेंगे, लेकिन 40 41 तक एक अकेला सिंगल इनकम ऑफ सोर्सेज आपके होंगे, अच्छा जिसको कहा जाएगा। फिर कहीं से कुछ रुपये आ गए उसको हम इनकम के सोर्स नहीं मानते हैं, परमानेंट जो इनकम का सोर्स है वो एक ही रहेगा। लेकिन 41 42 से एक नया इनकम का सोर्स आपका जुड़ेगा, वो भी मेहनत बहुत करवाएगा, लेकिन आपको सहूलियत देगा, वो आपकी एक्सपेंस में थोड़ा सा वो वहाँ पे वो बचत होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ऐसे भी आपकी लाइफ 40 के बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जितनी भी निगेटिविटी है आपकी लाइफ में सभी खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। लेकिन इससे पहले लिटरली मैंने जब आपका हाथ देखा तो मैं शॉक्ड रह गई, आपने बहुत इश्यूज फेस किए हैं अपने लाइफ में, और अब बहुत कम टाइम के लिए आपकी लाइफ में वो इश्यूज फेस करना रह गया है। तो होप नहीं खोना है, और जिस तरह से आप स्टेबल होके चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से इस सारी सिचुएशन से खुद को निकालते हुए चलिए, और 40 तक का इंतज़ार कीजिए, फिर मैजिक होगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और जितने भी आपने उम्मीदें रखी हैं सभी तो पूरी होने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ 70% तक आपकी जितने भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएंगी। और साथ ही ये जो लाइन्स हैं, राहु का की रेखा जिसको कहा जाता है, ये इश्यूज देते हैं लाइफ में, और जब इस तरह से माइंड लाइन हो तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है। तो ये 40 के बाद इसमें भी मुझे कुछ माइनस होता हुआ दिख रहा है, और माइंड लाइन तो आपकी बहुत सॉलिड होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। इसीलिए 40 के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि 50 से लेकर 51 52 तक थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि आपकी हॉट लाइन ब्रेक हो रही है, तो किसी ना किसी वजह से धोखा मिलने की उम्मीद मुझे लग रही है। तो उस वक्त थोड़ा अलर्ट रहना है। और इन्होंने, आपने बताया कि आपकी जो डॉटर हुई है, देखिए वो अभी बहुत छोटी है, तो उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना वो सही नहीं होता है। अब क्या है कि आपने कहा किसी भी इंसान का जब जुपिटर का माउंट अच्छा होता है तो उनकी फैमिली लाइफ अच्छी होती है, यानी एक तरह से उसे संतान भी अच्छा मिलता है। तो आपका जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा है तो संतान आपकी बहुत अच्छी है। ये जो मोल है यहाँ पे, जो तिल है, वो सिर्फ आपकी मैरिज लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को इफेक्ट इफेक्ट करती है, लेकिन जब बात आपके बच्चों की आएगी तो वहाँ पे ये आपको बुरा इफेक्ट नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो संतान है वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि आपका जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा है। और हो सके तो
तो 2-3 साल के बाद एक बार फिर से आप अपने पाम की मुझसे एनालिसिस करवा लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझसे रह गया है बताना आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा या मुझसे सवाल लिख करके मुझे भेज दीजिएगा।